सो हेलो गाइस, मैं हूं बंटी निराला। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निराला कंप्यूटर में। दोस्तों, आज हम लोग फोटोशॉप 2020 इंस्टॉलेशन करते हैं, तो कुछ आपको क्रिएटिव क्लाउड वाला इरर आता है इंस्टॉलेशन होने के बाद, और इस तरीके से इरर आता है, इसको क्वाइट करके आप यूज़ कर सकते हैं, बाकी बीच बीच में क्रैश हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को, जो क्रिएटिव क्लाउड वाला इरर है, इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, तो इसके बारे में हम लोग पूरा देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक सॉफ्टवेयर मिल जाएगा जो कि मैं इस वीडियो में यूज़ करूँगा, क्रिएटिव क्लाउड वाला। तो ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर आपको सेम प्रोसेस कर लेना है। सबसे पहले आपको इस जो जिप फाइल में होगा सॉफ्टवेयर, उसको आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। फोटोशॉप का डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके ये भी रन कर सकते हैं। रन करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद जो इरर इस तरीके से आता है, तो इसका सॉल्व करने के लिए इस तरीके का आप लोग यूज़ करिएगा। इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको इसको जस्ट ओपन करना होगा, ठीक है। डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिए, या फिर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके ओपन कर लीजिएगा। यहाँ से आपको ये CMD में ओपन होगा, फिर आपको अपना लैंग्वेज यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। तो इंग्लिश के लिए हम लोग ई टाइप करेंगे, फिर इसको आपको यस कर के लिए वाई टाइप करके इंटर दबाना होगा। जस्ट वाई टाइप करेंगे, उसके बाद आपको अपना जो भी क्रिएटिव क्लाउड का, उसको क्लीन करने के लिए हम लोग यहाँ पर जो 6 नंबर का है उसको हम लोग प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लीन ऑल करने के लिए जो भी है आपको सेकंड नंबर इसको टाइप करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ से टाइप करना होगा, जस्ट इसको वाई कर देंगे, वाई टाइप करके इसको इंटर करेंगे, फिर ये सक्सेसफुल क्लीन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको इंटर करेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। बस इतना ही करना रहता है और ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। बाकी दोस्तों, ये बहुत ही पेचीदा प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि बार बार आप फोटोशॉप में कोई अच्छा सा काम करते रहेंगे तो आपका बीच में क्रैश हो जाता है और सारा मेहनत आपका बेकार चला जाता है। तो ये कंपलसरी है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देख सकते हैं आप, ये हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुका है।